दोस्तों आज हम जा रहे हैं जोन 6 के अंदर और आज हम आपको टाइगर दिखाएंगे, टाइगर देखेंगे। और जोन 6 के अंदर एक नहीं दो नहीं तीन तीन बच्चे हैं टाइगर के, तो वहाँ पर टाइगर नहीं तो उसके तीन तीन बच्चे हैं, वो भी वहाँ पर घूमते हुए हमें मिलेंगे। और ऊंची पहाड़ों के ऊपर भी हम जाएंगे, नीचे ढलानों वाले रास्तों में जाएंगे। आप देख रहे हैं ये वीडियो शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। हम जा रहे हैं रणथंभौर अभ्यारण्य, रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अंदर, जो कि सवाई माधोपुर जिले राजस्थान राज्य के अंदर है। और बहुत ही एडवेंचर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। साथ ही हमने टिकट कैसे बुक किया वो सब आप इस वीडियो के लास्ट के अंदर देखेंगे। दोस्तों कल वाली गलती हमने नहीं की, हम थोड़ा सा लेट आए हैं, करीब 6:15 हो गए, लेकिन अब लेट भी नहीं हो जाए वो भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको पता है बाद में जो गाड़ियां हैं वो होटलों के ऊपर सवारियों को लेने के लिए घूमती है, तो उस तरह का है। तो 6:30-6:30 तक अपन पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद में अभी हम जा रहे हैं शिल्प ग्राम, जो कि राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ आ गए, टिकट लेने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो काउंटर से टिकट ले लिए, उसके बाद में एक साइड में ड्राइवर खड़े हैं, उनमें जिस गाड़ी का नंबर आपको मिला है उसके ड्राइवर को आपको बुलाना होगा। कैंटर 1848 सही है, कैंटर 1848 कितने सीट है? 2 सीट है। दोस्तों आज हमने लेट कर दिया, गाड़ी निकल चुकी है। दोस्तों गाड़ी तो निकल गई लेकिन हम गाड़ी को पकड़ लेंगे, जोन नंबर 6 के अंदर हम जा रहे हैं। और ड्राइवर के इस तरह से अगर आपके भी कभी लेट हो जाए, अच्छी बात है, दो वीडियो के अंदर लेट वाला अनुभव है हमारा। हाँ तो दो पार्ट हो गए इसके, तो इसमें लेट का अनुभव हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जहां से टिकट लेते हैं काउंटर से, वो जो है आपको नंबर निकाल के दे देंगे ड्राइवर के, या जो वो होगा साथ में उसके गाइड, उसके नंबर दे देंगे निकाल के, जिसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस तरह से कांटेक्ट करके जोन के अंदर जाने का टाइम ऑफिशियल 7 बजे है। अगर अभी टाइम वो तो अलग अलग है, सर्दियों का गर्मियों का, आपको टिकट के अंदर दिख जाएगा, लेकिन जो टाइम है अंदर जाने का, उसके बाद में आपके पास नंबर है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जोन के अंदर आपको गाड़ी लेके पैदल तो भागते हुए आप जाएंगे नहीं। तो उससे पहले पहले अगर गाड़ी कहीं पर भी है तो नंबर से आप उस तक पहुंच करके गाड़ी में बैठ सकते हैं आराम से। तो हम यही करने वाले हैं, नंबर मिल गए हाईवे पर कहीं वो मिल जाएंगे तो हम गाड़ी कहीं जोन नंबर 6 के आगे खड़ी कर देंगे और आगे जंगल में चले जाएंगे, हमारे ये प्रयास है। अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, गाड़ी आ रही है दोस्तों, उसको फॉलो करते जाएंगे फिर। हाँ आ रही है। दोस्तों अब हम जो कैंटर को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे आगे आगे जा रहा है, लेकिन दोस्तों हम क्या है कि चाहते हैं कि सीट थोड़ी आगे की ले ले, एक तो लेट आए हैं और ऊपर से हमें आगे की सीट चाहिए। सीट का नियम यह है कि जो पहले आएगा जो ले लेगा उसी की हो जाएगी फिर। तो मैं सोच रहा हूँ अभी तो इसमें ज्यादा सवारी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके बैठ जाऊँ आगे, आगे इसको आगे बैठा, आगे वाली सीट मिल जाए, आगे वाली सीट मिल जाएगी। यहाँ है एक होटल जिससे सवारी पिकअप कर रहा था कैंटर, वहीं पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी और अब आगे की सीट भी मिल गई, कैंटर में बैठ गए। जोन नंबर 6 सवाई माधोपुर से खंडार जाने वाली रोड पर है और ये टाइम टेबल भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डिसाइड हुआ है कि सबसे पहले टाइगर को ढूंढा जाए, सुबह सुबह का समय है, ठंड में टाइगर के मिलने के ज्यादा चांस है, बाद में बाकी जो जीव है उनको तो बाद में भी देख सकते हैं। क्या चीज है ये?
नील गाय बोलते हैं ना। अच्छा नील काली नील गाय है, मेल है। अच्छा मेल काला ही होता है, फीमेल भूरी होती है। जान ले लेते दोस्तों। आज का जो ये जंगल है यानी कि टाइगर रिजर्व के अंदर जोन 6 का जंगल, ये हमें बहुत ही खूबसूरत लगा कि इसके अंदर ऊंचे पहाड़ से होकर हम नीचे ढलान के अंदर जा रहे हैं और इतनी ऊंचाई से दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और पीला पीला घास सूखने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आज मौसम भी कल से ज़्यादा अच्छा है, सुहावना और ठंडा। सभी टाइगर ढूंढ रहे हैं, गाड़ी नहीं आई, मुझे कैसे चले गए पीछे, क्या यहाँ रोको, दो तीन मिनट रोको, गाड़ी को आ जाए। यहाँ ऊंचाई से दूर दूर दिख रहा है, नहीं उनसे कांटेक्ट नहीं हो सकता दूसरी गाड़ियों से, कोई आसपास कॉल बता देंगे, लाइट मार देंगे, दूसरी गाड़ियाँ दिख रहा है। जैसे ये डाउट था मैं ये वाले सामने पठार का, मैंने कहा वहाँ हो सकता है, लेकिन वहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, गाड़ी स्टेज में फंस गई। इसका मतलब जहाँ गाड़ी फंसी वहीं टाइगर हो सकता है, क्योंकि पानी में से वापस जाने का बनता ही नहीं है ड्राइवर का। अभी अपन आए ना सीधा, अपन आगे चल रहे हैं, पहाड़ियों के पीछे चलना है अपन को तो। हाँ। लेकिन वो गाड़ी वापस या तो उसको पगमार मिले या कॉल मिली है, तभी वापस गई वो गाड़ी। अच्छा टाइगर आ जाओ, चुप दिख रही है। चलो 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 बीच वाले में, चलो बीच वाले में बैठो, बैठ जाओ। गाड़ी आ गई, हाँ दिख रही है, चलो तो। ये गाड़ी गई आगे, गई आगे, गई आगे, गई आगे, गई आगे, गई आगे, गई नाले नाले जा रही, नाले नाले। अच्छा ये पैर है दोस्तों, टाइगर के पैरों के निशान का हम सब पीछा कर रहे हैं। इसी रास्ते के ऊपर ऊपर टाइगर चला हुआ है और जरूर वो आगे कहीं हो सकता है, उसी के पैरों के पीछे पीछे हम जा रहे हैं। हम टाइगर के फुटप्रिंट के पीछे पीछे चल रहे थे और अचानक से टाइगर से सामना हुआ, सभी के सभी चुप, सन्नाटा छा गया, गाड़ी बंद। और अब जो है वो टाइगर हमारे आगे आगे, हम टाइगर के पीछे पीछे चल रहे हैं। टाइगर अपने यहाँ क्या दिखता है, अपने इधर नोले भी नहीं दिखता मान गया मैं। अरे लो लो, किस किस ने पहली बार देखा है? हमने तो पहली बार देखा, पहली बार देखा ऐसे खुले में, मैंने पहली बार देखा। तो कितनी बार निकल आते, तो अपन इसको कैंटर के आगे ले लेते, चलो तो चलो तो चलो तो जिससे निकालने आगे चलो, ये दूर है 39।
ये कौन सा टाइगर है? 39 नूर इसका नाम है। कांटा 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 रणथंभौर में बाघ की साइटिंग करते हुए आपको दिख रहे हैं और रणथंभौर बहुत ही अच्छा जंगल है, यहाँ के टाइगर बहुत ही अच्छे। इसके बच्चे कहाँ हैं? इसके बच्चे नहीं, वो एक के बच्चे। अच्छा वो अलग है यहाँ पर। ये शहरिक शेर आगे चले गए, इनको पता नहीं चला। आपको बहुत तजुर्बा है, मतलब ये आठ गाड़ियां हैं, आठ गाड़ियों पे 8-10 लोग तो होंगे गाइड वाले, फिर भी वो नहीं पकड़ पाए। टू जोन में गए थे लेकिन वहाँ नहीं दिखा था। इसका क्या है तरीका मैडम? सीधा सा है या तो इसके फुटप्रिंट पकड़ते हैं हम, पहला ऑप्शन। दूसरा रहता है इसकी अलार्म कॉल, तो स्पॉटेड डियर, सामर डियर, मंकी, पीको की है ना, एक डरावनी आवाज निकालते अपने मुंह से। अच्छा। तो हम जब कैंटर को बंद करते हैं ना, हाँ। तो हमारे कान उधर लगाते हैं जंगल। अच्छा। हाँ जाने दो, वहीं से घुमाएंगे, चलने दो। चलो चलो, अपन चाहते ना इसको कैंटर को आगे आगे लाते इसे, हाँ मोड़ लेते थे, पीछे लिवा लेते थे, लेकिन इसको डिस्टर्ब करना गलत था। क्या नाम है आपका? शन्ना, वैसे सही नाम सादत के नाम से। अच्छा सादत। इस जोन 6 में टोटल कितने हैं? इसके अंदर 5 टाइगरों का मूवमेंट चल रहा है अभी। 5, उनमें से एक के 3 बच्चे हैं। और एक के 3 बच्चे T8 के लाडली जो नाम की टाइगर है ना उसके। अच्छा भाई जानवर है, इसको ना अपन भी ज्यादा वो नहीं कर सकते, वो विज्ञापन ने इतनी दूर चला लिया इसको साथ साथ। अच्छा अब इनको चांस दे दो। बैठ गई क्या? बैठ गई। जारी जारी जारी। अच्छा बीच में रोड पे भी बैठ सकती है? लड़ सकती है। फिर उतर के देख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा इसके मूड में कब आ जाए झपट मारने की पता नहीं है? अभी इस वक्त ही चल रही है ना, भूखी अभी है। भूखी है? अच्छा ये इनकी गलती है। आगे ले लो, जैसे दबा के ले लो, बस रोक लो, और आगे लो, और आगे लो, इधर मेन रोड पे रखो अपनी गाड़ी, मेन रोड। टाइगर ले लो, आगे आगे ले लो, बस बस धीरे धीरे, बस रोक लो, और आगे लो, और आगे लो, इधर मेन रोड पे रखो अपनी गाड़ी, मेन रोड पे, मेन रोड पे, मेन रोड पे अपनी गाड़ी। ये टाइगर कहाँ है? अरे साय आगे ले लो, आगे ले लो, आगे लो, आगे लो, आगे ले लो, आगे लो भाई, आगे लो। अरे जिप्सी आगे ले ले छोटी भाई। हाँ बड़ा टाइगर, क्या आदमी है। अरे देखो ध्यान रखना झाड़ियों का, बढ़िया रोड पर जाएगा, दो पीछे पड़ गया जंगल से ही हूँ ना, वाइल्ड लाइफ कोमलगढ़ से। अच्छा अच्छा, मैं ये वो शौक है तो इसलिए अभी पहचाना आवाज। आपका क्या नाम? मेरा विजय नाम है। विजय चढ़ गए ऊपर, वो जा रहा है। अरे ये किधर ही आ रही है? वो उधर जा रही है, जा रही है, निकलेगी ऊपर। टाइगर दिखा? हो रहा। बच्चों वाला पार्ट कहाँ है फिर? वो जो बच्चे लेके फिरती है मादा, आगे है या पीछे? उसको भी ढूंढेंगे। टाइगर को जान भी लिया क्योंकि सर वो बहुत ही सीधा साधा होता है, टाइगर सबसे सीधा साधा प्राणी है। चल जा पहले दिखा ला, फिर आ जाइए वापस। अरे इधर घूम गई, पहले दिखा ला ये रही है। टाइगर टाइगर इससे पकड़ा था बनने, इस टाइगर को पंजा होता है पूरा पूरा। ये यहाँ पर झोपड़ी किसने बना दी? ये चेक पोस्ट है, लैट्रिन बाथरूम है ये। अच्छा ट्रेडिशनल लुक के अंदर बनाया है। अच्छा वो फ्रेश फ्रेश हो सकते हैं। बालू भी मिल सकता है क्या यहाँ पर? बालू बालू बहुत मिलता है, बालू का भी हम दिखाएंगे आपको। देर करने आता है ना बालू, 3 दिन पहले देखा था। बटर ट्री होता है जैसे अभी अपन जिसके नीचे खड़े हैं, इसको बटर ट्री कहते हैं। महुआ, इसके पत्ते के अंदर चाय पीते हैं? इसके पत्ते के अंदर चाय भी बना देते हैं आदिवासी लोग ऐसे, उसको दूने टाइप।
उसके बाद फिर इसका जो फूल आता है उससे देसी दारू बनाई जाती है जो टॉनिक के लिए काम ले सकते। वो वहाँ पर देखे थे दारू वाले पेड़ वहाँ बहुत सारे हैं हमारे कुंभलगढ़ में, जैसे इसका उसको टॉनिक के लिए काम ले सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को निमोनिया हो गया, ढक्कन जितना लीजिए, मिट्टी के तवे में गुनगुना करके हल्दी डाल के उसको पिला दीजिए, उसका निमोनिया सही हो जाएगा इस पेड़ से। हाँ, और इसको बटर ट्री इसलिए कहा जाता है कि उसके ऑयल से सर वो ऑयल जो निकलता है ना इसके बीजों से वो पूरा बटर की तरह निकलता है सर। अच्छा, एक बहुत ही गुणकारी पेड़ है सर बटर ट्री है। बटर ट्री ये बच्चों वाली बिना बच्चों वाली अगर टक्कर हो जाए आपस में लड़ने लग जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मेल मेल, 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 मेल होता है ना, मेल मेल ज्यादा लड़ते हैं आपस में, मेल 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 लड़ते हैं, छोटी मोटी बात। अच्छा, मेल बच्चों से थोड़ी लड़ेगा, बच्चों से नहीं लड़ेगा मेल, खुद के बच्चे होंगे तो नहीं करेगा, अगर दूसरा मेल आ गया तो मार देगा उन बच्चों। अच्छा, दूसरे के बच्चे को मार देगा, दूसरे बच्चों को टाइगर बताए। मैं इसकी खास एक सेकंड मुझे बता दो कौन सा पैरों का निशान है। अरे ये ना पूरे पैरों के निशान, कौन सा एक पैर बता दो कौन सा? बच्चों के ये वाला आई बच्चों के पानी। अच्छा, बच्चों के बिठा गया नूर नहीं। अच्छा, वो T8 थी, नूर नहीं थी। अच्छा, वो T8 थी, बच्चे कहीं बिठा दिए। T8 का नाम क्या है? लाडली। T8 लाडली थी, T8 लाडली थी। चलो बैठो बैठो, चलो बैठो, लाडली थी। तो बच्चों को ढूंढने वापस आएगी? बच्चों को बिठा दिया, बच्चे कहीं छोड़ कहीं इधर कहीं छुपा दिए होंगे शायद, है ना। बच्चे बिठा दिए वापस, और वो रोलिंग करेगी ना तभी बाहर निकलेगी। अभी आवाज सुनवाते हैं। अच्छा, आवाज कैसे सुने? अभी ये बच्चों को बुलाएगी ना। अच्छा, उसका अलग साउंड होता है। तो गाड़ी चेक करी आई थी, नहीं मिला ना लोग। अच्छा, मेन टारगेट यही रहता है कि जब टाइगर मिल जाए तो अपना मतलब वापस रिटर्न कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, यूं घुमाते पूरा टूरिस्ट के ऊपर घुमाना तो पड़ेगा पूरा समय से, टाइम से गाड़ी को बाहर निकालना पड़ता है जो टाइम है पार्क का। अच्छा, उससे पहले नहीं ले जा सकते अगर वो सब एक लेट भी नहीं जा सकते। कहते नहीं भाई चलो हमारा काम हो गया हमें ले चलो, या हमारी ट्रेन है या हमारा चेकआउट है तो ले जा सकते, नहीं तो ऐसे गाइड ड्राइवर अपनी मर्जी से टाइम से पहले नहीं जा सकते, नहीं। ना लेट जा सकते, गवर्नमेंट रूल्स होता है लेट पे फाइन। जी सर, दूसरे जोन है, जोन है ना, जोन है ना, हमें एक बार एक ही जोन पे घूमना पड़ता है। हाँ, जो यही तो हम बता रहे ना आपको, अब जैसे अभी हमारा ये एक मकसद पूरा हो गया टाइगर का, है ना। अब हमें जो डियर वगैरह है, लेपर्ड है, हाइना है, जेकोल है, उनको भी हम तलाश करेंगे, उनको भी ढूंढेंगे। नहीं मिल जाता है क्योंकि ये पुराना इसका पड़ा रहता है ना किल, तो उसके लिए आ जाता है। गांव नजदीक है जहाँ भी अपन खड़े थे ना, इससे 1 किलोमीटर की दूरी पे गांव है। हाइना कौन सा है इधर? वो धारी वाला ही है। बहुत कम कुमारी बच्चों को लाडी भी छोटे है ना, बहुत ही कम देखते हो आप, छोटे बच्चे नहीं। कितने महीने के बच्चे हैं ये? बच्चे 4 महीने के हो गए, लेकिन 1 महीना हुआ इसको ओपन करे हुए बच्चे। अच्छा, टोटल 4 महीने के हो गए फुल है ना, ये मार्केट काफी बड़ी है। धाड़ता दिन में ही है कि सबसे ज्यादा? नहीं, तो धाड़ने का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये बच्चों को बुलाएगी उस टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे, बस दो ही टाइम होते हैं। फालतू में नहीं धाड़ती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़ेंगे ना उस टाइम पे बस गुर्राते हैं एक दूसरे, जब हमला बोलते हैं ना उस टाइम पे गुर्राते हैं। अच्छा, वो फालतू में धाड़ते हैं? फालतू में एनर्जी वेस्ट करते हैं। अच्छा, स्मेल रहेगी। मार्किंग मतलब इस पर मार्किंग, जैसे पेड़ है ना तो इसके ऊपर जहाँ मार्किंग कर गई पंजे से नहीं, पेशाब से, टॉयलेट से। अच्छा, इसकी 8 दिन तक स्मेल रहेगी, स्मेल से पता लगा लेते हैं खुद के पेशाब की स्मेल। टाइगर मादा जो होती है अपने बच्चों को जिस स्थान पर छोड़ती है उसी स्थान पर बाथरूम करके ये मार्किंग करती है, ताकि वापस आते समय वो उस स्थान को पहचान सके, दूर से ही उसको पता चल जाता है। पीछे नहीं भागता लेपर्ड, आगे चलता अपोजिट साइड, अपोजिट से आगे से घेरता, आगे से आकर के न्यू आर अटैक करता। और टाइगर, टाइगर ऐसे भागता पीछे पीछे से। तो मान लो टाइगर भाग रहा है,
अपन भी टाइगर से तेज भाग के बच सकते हैं? नहीं बच सकते, नहीं एक सेकंड, जैसे हिरण बच सकता तो अपन नहीं बच सकते? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो उनकी स्पीड होती है 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अपनी नहीं हो सकती। अपने ये है ना, ये छोड़ देंगे आप बिल्कुल। अभी जैसे टाइगर अपन को दिखा तो मोबाइल किसी स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई घबरा जाता है, घबरा जाता है। अभी अपन ग्रुप में इसलिए आप इतनी बात कर रहे हो, बाकी नहीं होता। बाकी अपनी सांसें फूल जाती है, अपना पावर हाफ हो जाता है। अभी नीचे उतार दो कौन सा वो डर रहता है, चीतल वगैरह जोन टूटे ऐसे गाड़ी चढ़ रही थी मेरी, जो ऊपर जिप्सी थी मेरे साथ में और पूरी फैमिली थी, एक परिवार था गुजरात का, तो सामने से टाइगर आ गया। उधर कम से कम नहीं ना 100 फीट घेरी खाई है और इस तरफ राइट साइड के अंदर पहाड़ है। अब ना तो मैं गाड़ी बेग ले जा सकता, ऊपर चढ़ाऊं तो टाइगर सामने आ रहा। तो मैंने क्या जैसे तैसे करके गाइड से क्योंकि मैंने तेरी तरफ देख इंचों के हिसाब से बचवा ले, बस मैंने कहा इसको जगह दे दे, ये कैसे भी करके निकल जा। तो जैसे हमने दबाई ना गाड़ी को तो पीछे लेकर के, तो ऐसे टाइगर जो आया बिल्कुल जिप्सी के नजदीक और आके और उस बच्ची की तरह जो उन्होंने खाली मुंह खोला था, 16-17 साल की लड़की थी। अच्छा, बोला मेरी जिंदगी मेरी लाइफ में नहीं देखा ना, मैं भूलूंगी खान साहब। जब दिखता ना नहीं दिखता तब देखो दिखा दिखा, जब दिख जावे ना तब सांसें फूल जाती है। राइट, हमारे खुद ने ये भी अपने पास जिप्सी होती है ना तो ऐसा थोड़ी देखता नहीं देख पाते। अच्छा, ये है जिप्सी वालों को ज्यादा खतरा रहता है, उनको पास हो जाता ना, ओपन रहता है बिल्कुल सर, अटैक भी करता है। अभी बिचकी क्या हो, कैसी बिचकी, एकदम उचक तो गई थी उसका, आ गया ना एकदम मुड़ी आगे भगाई थी उससे, वो छेड़ेंगे तो करेंगे। और उधर से वहाँ जो पटवा बावड़ी जाते हैं अंदर वाले पानी वाले में, लेकिन बच्चे पटवा बावड़ी के वहाँ जा रहे खत्म हो गए उनके पग मार। तो वो ये नाला में आओगे, अब आओगे मोड़ी सी करेगी। चलो डियर वियर देखते हैं, भालू वालू ढूंढ ले मिल जाता था। भालू ये देख, भालू भालू दे, भालू भी आ गया आपके पास, बोलिए दर्शन दे दे, कहां से आ गया भालू है? हां चलो दिया नहीं दिखे, योगे दिखे तो भालू दिखा। वैसे भालू ये नीचे क्या कर रहा है, खड्डा कर रहा है? सर ये खड्डा करता है, कीड़े 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 अंदर से कीड़े ढूंढता है। आवाज नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं। इतना बड़ा पेट है, कीड़ों से कैसे भरेगा इसका? अरे सर बनता है, विलेज होता है, वेजिटेरियन नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि ये इंसानों की आंखें निकाल लेता है। दबा लो, ये क्या आंखें निकाल रहा है, हमसे डरे तो नाम अपने नाम से डरे, दबा लो। इसके साथ में कभी टाइगर की टक्कर होती है? हो, टाइगर को भागना पड़ा, टाइगर को भागना, भागना पड़ेगा। इससे डर जाता है टाइगर, इसमें भालू बैठे शाबाश। ये क्या था, ये आवाज किसकी थी? चिल्लाने ऐसे चिल्लाता है, आदमियों की तरह लग रहा है। तो अलर्ट अलर्ट कर रहा है, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी साइड में टाइगर है, ऐसे लग रहा है कोई आदमी चिल्ला रहा है। अलार्म कॉल होता है। अच्छा, वो अलार्म, तो ये जानवर सारे कुछ ना कुछ कॉल देते हैं, होता है ना वो करता है ऐसे अलार्म, जैसे कि लेपर्ड वगैरह कोई भी खतरा होगा ना। हाँ, और ये चिल्लाता है आदमी की तरह, ये गजब मतलब खेल है ना, चैलेंज। यस सर, पूरे दिन इसी तरह से चलते रहो, चलते रहो, लेकिन ये हर कोई नहीं करता, जिसको जंगल का शौक होता है वही करता है। ये भी है, आई आवाज सर, ये बंदर की थी, ये हिरण की थी, हिरण की आवाज हो रही ऐसी तो नहीं है, कोई मर रहा है और उसकी आवाज आ रही है, वो शिकार कर रही है, वो जब शिकार की अलग ही आवाज आती, तड़प की सर, आवाज भी नहीं निकालने देता है। अगर यहाँ से गले से पकड़ लेता है ना, उसके बाद आवाज नहीं निकालने देगा, ये तो अलर्ट कर की आवाज है, बार बार आ रही है, वो उसी वजह से अलर्ट कर रहा है ना। डीएल स्पॉटेड आ रहा है, इधर आ रहा है, लोकेशन पता लग जाएगा भाई ऊपर से।
यहाँ पर कितनी प्रकार के जानवर है, सारे के सारे एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे जंगल में जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है, कब मौत आ जाए पता नहीं चला। उस इन जानवरों का डर तो रात में कैसे सोते हैं, रात को आके खा जाए। रात को भी शिकार होता है, रात को ज्यादा क्योंकि नींद आ जाती है। तो इधर ही आ रही हूं मैं, इधर आप हो जा रहा। आवाज मत करना बिल्कुल भी। आपने पास ही आ रही बोलना मत, उस गाड़ी की आवाज भी नहीं बच्चों का। फुटी करेगी ये टाइगर पोटी कर रहा है। तो वो कुछ नहीं सुन रहा है। इतना क्लियर नहीं है ये नू है। पानी पीने जाएगी दो ही आते छह नंबर में। नहीं नहीं पांच पांच काउंटर आते हैं, दिखे थे नहीं आज तक ने। दो ही नहीं है, एक ही काउंटर आज तक। अगर टूरिंग भीड़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अभी 40-45 जिप्सी से बहुत सारे बहुत बढ़िया फोटोग्राफी होगी। वो घड़ी उधर ही जा रहा है रास्ता। तो वहाँ पे गांव था, गांव क्या वो मंदिर है, वहाँ पे टेंपल है सोलेश्वर महादेव। सोलेश्वर महादेव जी का। अच्छा, तो वहाँ पर लोग जाते हैं कभी? पैदल जाते हैं ना, काफी लोग जाते हैं। कब? श्रावण भादवा के महीने में कभी भी। हाँ, तो पांच सात जने इकट्ठे हुए प्लान बना, चलो। तो रास्ता कौन सा है उसके लिए? इसे यहीं से जाते हैं फिर। टाइगर अटैक टाइगर निकल के आया ना इसी रास्ते। टाइगर अटैक नहीं करता है, ग्रुप पे नहीं करता है, ग्रुप पे कभी जानवर अटैक नहीं करता। गए ऊपर गए, हम नहीं दिखे। चिंकारा की तो तादाद घट रही है, फिर जंगल में क्यों छोड़ा? इधर तो बहुत है अपने। अच्छा, खूब है, बहुत ही कम जगह पे तादाद घट रही है, बाकी चिंकारा बहुत। तो अगर इसको अब टाइगर अटैक करके खत्म करेगा तो फिर एक और घट जाएगा। वैसे तो ये आएगा नहीं, ये बहुत ही मुश्किल से टाइगर में लगता है, क्योंकि सेकंड बात ये सर बहुत ही स्पीड से यहाँ से छलांग मारेगा ना, वहाँ पे डाइव मारेगा, इतना स्पीड से भागता है और छलांग बहुत तेज मारता है। तो टाइगर जीते के बाद में दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर स्पीड आती है। अच्छा, स्पीड के मामले में जी, स्पीड के मामले में। तो यहाँ जैसे गर्मी आती है तो पानी कहाँ से आता है टाइगर के लिए? ये पंप लग रहा है सामने। अच्छा, ये सब सूख जाएगा ये है ना, और एक गड्ढे के अंदर वहाँ पानी रह जाएगा। हाँ, पानी भरा जाएगा, पंप चलता रहता है, फिर पंप चला के भरेंगे। हाँ, हर जगह ऐसे होता है सर,
जंगलों में वाटर होल बने हुए होते हैं, वहाँ पे पानी की सप्लाई देता है फॉरेस्ट। तो इस टाइगर रिजर्व में पहले गांव वगैरह लोग बसते थे क्या, मतलब 20-30 साल पहले खेती होती थी? अच्छा, जिस जगह जिस जोन में हम घूम रहे हैं ना, हाँ, उसमें खेती हुआ करती थी कुछ टाइम पहले। कभी वो जा रहा है, फीमेल के नहीं होते सिंग? नहीं, सिंग नहीं होते, और उसके जो कान होते हैं ना थोड़े चौड़े होते हैं, उसके देखो कैसे फीमेल ये वो मेल काला। अच्छा, दाढ़ी भी होती है नीचे? ये ऐसा मेल होता है ना, उसके यहाँ बाल होते हैं और फीमेल के नहीं होते। ये क्या है, सींग वाला क्या है ये? सर अभी इतने नाजुक है ना, जो सींग देख रहे हो ना, अगर इसको हल्का सा टच कर लो ना, लगे जैसे कि अपने छाला होता है ना। अच्छा, खोला, हाँ। इतना दर्द होता है ना, उतना दर्द होता है इनके, दर्द होता है इतना? हाँ, जब ये हार्ड हो जाएंगे ना, हाँ, तब जाके ये इन पेड़ों से, फिर बहुत सारे सिंग पुराने हो जाते हैं पेड़ों के घिस घिस के। तो ये अभी बच्चा है क्या? ये बच्चा नहीं, नहीं, सिंग चेंज होते हैं सर। अच्छा, सिंग चेंज होते हैं, बड़े सिंग होने के बाद में भी वो सिंग टूटेंगे सर, टूटेंगे फिर आएंगे, पेड़ों से घिस घिस के तोड़ देंगे, फिर नए आएंगे। जब नए आते हैं तब इनको बहुत पीड़ा होती है। अच्छा, तो ये इसके नए आए हैं। के अंदर जो दीमक होती है ना, दीमक, दीमक का घर, वो दीमक का घर है, तो इसके अंदर बहुत सारे कीड़े वगैरह रहते हैं, तो वो भालू इनको खोद खोद के पूरा निकाल लेता है खाने के लिए। हाँ, और ऐसा कहते हैं कि सर इस जगह पे पानी भी बहुत आता है, बोरिंग वगैरह करते हैं ना, बहुत पानी निकलता है। कैल्शियम के लिए खाते हैं। अच्छा, मिट्टी इसलिए खाते हैं, कैल्शियम की पूर्ति, कैल्शियम की पूर्ति। जैसे अपन इंसान लेडीज लोग नहीं खाते मिट्टी, या बच्चे मिट्टी खाते हैं, वो बच्चे इसीलिए मिट्टी खाते हैं। बहुत सारी लेडीज भी सर इतना इतना मिट्टी खाती है सर, वो कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से उसकी पूर्ति के लिए खाते हैं, जैसे ये जानवर खा रहे हैं। ये ये क्या चीज है सामने वाला, ये क्या चीज, सांबर ही है क्या? ये सांबर ही है, लेकिन सर वो बारह सिंगा के सिर अलग होते हैं, वो भी मेल है, उसके बारह सिंग निकले होते हैं। ये लड़ाई झगड़ते हैं आपस में, बिल्कुल वो आया स्टार्ट है, ये निकल जाएगा, गुस्सा करता है दोनों, ये निकल जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही ना मेरे, तो कर रहा हूँ, नहीं झगड़ा होगा नहीं लगेगा, यहाँ के निकालने दोनों, या तो फिर कोई निकल जाए, एक दोनों में से एक तो नहीं होगा। अगर नहीं, एक जना समझ गया तो नहीं, वो बात हो गई, दबदबा दिखा दिया, बता दिया। हाँ, ये इंसानों में जैसे अपन किसी को क्या बताते हैं, गर्दन फुला के क्या जमाते हैं सर, मतलब अब जैसे वो दोनों पहले झगड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो आ गया, अगर वो हट गया तो झगड़ा नहीं होगा, अब भिड़ेंगे ना, बराबरी करेंगे तो झगड़ा होता है, देख लो अब आपके सामने जो भी है। ये जो टाइगर होता है, इसका सबसे फेवरेट फूड कौन सा होता है, कौन सा जानवर? सांभर ही होता है, सबसे अच्छा इसको ये लगता है खाने में। जी जी, और इसका शिकार आसानी से हो जाता है, भाग जाता है, हो जाता है, इसकी आईसाइट क्या वीक रहती है, इसकी ज्यादा दूर का नजर नहीं आता, समर को समर की स्मेलिंग पावर इसकी जो है ना, वो पावरफुल होती है। अच्छा, बाकी आईसाइट इसकी आंख है ना, वो बड़ी कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है, जल्दी से देख नहीं पाता टाइगर को, इसलिए जल्दी मार खाता है। अच्छा, और एक सांबर का शिकार कर ले तो कितने दिन तक? 7-8 दिन के अंदर एक किल करता है, उसके बाद में फिर उसको 7-8 दिन ही पचाता है, खाता रहता है, बस खाता रहता है। अच्छा, ये काम ठीक है, अरे लेपर्ड ब्लड लिक्विड पे जीता है, और ये बाइटिंग पे रहता है, लेपर्ड कॉलोनी पर ब्लड पिएगा, एक बार ब्लड पी लिया, नहीं खाता लेपर्ड, खाता है लेकिन एक बार ब्लड पीने के बाद 2 दिन बाद। अच्छा, ब्लड ज्यादातर लिक्विड पे जीता है, जैसे अपन कॉक वगैरह लिक्विड लेते हैं ना, कोई भी पदार्थ, तो अपन लिक्विड लेने के बाद भी खाना खाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए लिक्विड ही सब कुछ है। अच्छा, फिर बाद में शिकार को, इसमें है क्या लेपर्ड? काफी है इसमें, है तो अपने को एक भी नहीं आएगा, क्यों? या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट मॉर्निंग, या ऊंचाई पे रहता है वो पहाड़ों पे। अच्छा, टाइगर होगा वाली विलेज एरिया में ज्यादा रहता है। अच्छा, तो गांव के अंदर बकरी वाली उसके सामने पहाड़ी पे रहते हैं, 2-2, 3-3 है, तो गांव से बकरी उठाने काम वही करते हैं क्या? बकरी मार लेता है, डॉग मार लेता है, बैल बोर को मार लेता है, टाइगर नहीं जाता गांव में, ज्यादा टाइगर नहीं जाता, वही जाता है, हमला कर लेता है। अच्छा, वो इंसानों पे भी हमला कर लेता है, डरता नहीं। अच्छा,
यही चैनल है हमारा, हमारे सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सर, हम बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जरूर, आपसे भी मिलके। और ये आपका ठीक, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। पहली बार में देखा आज या कल परसों? कभी पहली बार में? पहले तो देखा था, थैंक यू। अच्छा, बहुत फन, बहुत मजा आया, एक्साइटिंग। बहुत कहां से आए आप? बॉम्बे से, मुंबई से। अच्छा, वाज गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। ये है, ये चैनल है, इसके ऊपर लिखा है यूएसए से। अच्छा, ये इनकी शादी है जनवरी में। अच्छा, जनवरी में ये रामगंज मंडी डूंगरपुर हम जाके आ गए। कोटा भी जाके आ गई। कोटा तो इससे पहले ही जाके आए। आज तो मजा आ गया, आज तो सिया को भी मजा आ गया। सिया ने टाइगर, भालू सब देख लिए। दोस्तों, लास्ट वीडियो निराशाजनक था पूरा पूरा, और इसमें पूरा पूरा मजा आ गया। तो ये जो आप टाइगर रिजर्व में आएंगे कभी, आपके लिए भी एक आप पहली वीडियो देख लोगे तो आपको भी थोड़ा पता चल जाएगा कि पहली बार में दिखे ये जरूरी नहीं है। हाँ। लेकिन एक बार में नहीं दिखा तो दूसरी बार में भी किस्मत है, पहली बार में दिख जाएगा। हम सोच रहे थे कि पक्का दिखेगा, लेकिन नहीं दिखा तो हम सब बहुत निराश होके लौटे थे। लेकिन आज सब बहुत खुश थे, क्योंकि सब ने पेट भर भर के देख लिया था। टाइगर को फर्स्ट टाइम जाते ही देखा, और फिर आने से पहले भी देख लिया, और उसको जैसे ढूंढ रहे थे कि अब हाँ यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो उसमें भी बहुत मजा आ रहा था, कल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज बहुत मजा आया सबको। कल वाले में तो खूब सारे कैंटर गए थे, और आज वाले में ये जोन नंबर 6 था, इसमें कैंटर हमारे वाला एक ही था। और मुझे खाली पड़ी है, सारे पांच कैंटर जाते हैं। कैंटर ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि खाली पड़ी है। कैंटर है ना, ऊपर से आराम से अच्छे से दिखती है, जिप्सी में इतना अच्छे से नहीं दिखता। और जिप्सी में वो अटैक हो सकता है, अटैक भी हो सकता है अगर अकेली हो तो। वो ही हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई डिस्टर्ब कर दिया अगर टाइगर को। मतलब ऐसे गियर लेते हैं, ऐसे कुछ हो जाए तो। लेकिन कैंटर में अच्छे से दिखता, व्यू बहुत अच्छा दिखता है, मतलब पहाड़ और दूर दूर तक दिख जाते हैं। इसीलिए हमने दोनों बार ही कैंटर से ही किया, कैंटर वाला हमें ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम है बारिश के बाद का, और ठंड के समय का, सुबह सुबह का। ये अगर जोरदार गर्मी है तो उनमें भी है, लेकिन उनमें सिर्फ सुबह सुबह चांस रहते हैं कि धूप होने से पहले पानी पीने के लिए उधर जा सकते हैं। देखिए, ये जो आपने स्थान देखा है दोस्तों, भारत के राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के अंदर है, जोन 6 का जो आपने एरिया देखा है। यहाँ पर तो शिल्प ग्राम है, जहाँ से आप सुबह सुबह आकर के टिकट लेंगे। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद में आप मोबाइल से टिकट दिखा दें, वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। गाड़ी में बैठने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे। ये पूरा जोन 6 का एरिया है, और यहाँ पर एंट्री गेट है, जो जोन 6 है उसके अंदर यहाँ से आपकी एंट्री होगी। और ये इस पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के बाद में हम लोग जो है वो इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के बाद में ये पाली दरवाज़ा, जो आप एक दरवाज़ा देखा था आपने वीडियो के अंदर, इसके अंदर से आने के बाद में ये पूरा एरिया जहाँ पर हमने टाइगर देखा था, हमने जो टाइगर देखा था वो पॉइंट जो है वो ये है। यहाँ से जो हम वापस मुड़े थे, यहीं पर टाइगर सबसे पहले जो हमने देखा था वो स्थान यही है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये पटवा जो बावड़ी है, इस जगह पर हम गए जहाँ पर दो झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, वो स्थान है। और उसके बाद में इस जंगल के अंदर कई सारे इधर उधर राउंड किए और जंगल देखा पूरा। देखिए दोस्तों, टिकट कैसे बुक करते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है रणथंबोर टाइगर रिजर्व अभ्यारण जो है उसकी। आपको इस साइट पर जाना है sso.rajasthan.gov.in। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप पहले इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ आप बहुत ही आसान तरीके से अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। आधार नंबर से भी कर सकते हैं, और कई सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको उपयोग में लेते हुए कर सकते हैं। आधार नंबर लगाना होगा, आधार नंबर से करेंगे तो। मेरा हुआ है इसलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ।
लॉगिन करने के लिए जो आपको एसएसओ आईडी मिलेगी, यूजर नेम, नॉर्मली आपका जो ईमेल होगा उसके पहले के अक्सर होंगे, और फिर पासवर्ड लगाना है आपको। मैं अपना आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। करेंगे आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद में, तो उसके बाद में ये पेज खुल गया है। और इसके अंदर दोस्तों क्या है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अदर एप्लीकेशन खूब सारी है, तो ये देखिए खूब सारी इसमें एप्लीकेशन है, उनमें आपको ये सर्च करनी है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये वाली आप इनमें से देख लें। फिर ये जब पेज खुल जाए इसके अंदर आपके लिए ऑप्शन है टिकट बुकिंग है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ टिकट बुकिंग, ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से एक है सबसे पहला एडवांस्ड वाइल्ड लाइफ टिकट बुकिंग, यानी कि आप अगर महीने बाद में भी जाना चाहते हैं, आगे के दिनों की बुकिंग कर सकते हैं पहले ही, और 10 दिन बाद की, 20 दिन बाद की टिकट देख करके आराम से बुक कर सकते हैं एडवांस वाले में। मैंने एडवांस वाले से ही किया था। एक इसमें तत्काल वाइल्ड लाइफ टिकट बुकिंग, बहुत महंगा पड़ेगा, कई गुना चार्ज इसके अंदर है, तत्काल में कर सकते हैं और इसका टाइम भी रहता है। इसके अलावा करंट वाइल्ड लाइफ टिकट बुकिंग, ये भी कर सकते हैं, मतलब जिस दिन जाना चाहते हैं उससे पहले ही पहले दिन इसमें कर सकते हैं। और जो इसके अलावा मान लीजिए आपको पूरे दिन जंगल में बिताना है तो फुल डे कर सकते हैं, हाफ डे कर सकते हैं, ये फुल डे करंट की है, फुल डे और एडवांस की है, तो इस तरह से सारी टिकटें। मैंने कैसे किया, मैंने एडवांस वाइल्ड लाइफ टिकट बुकिंग इसके ऊपर पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये सारे ऑप्शन आ गए। अब इसमें फिर मैंने क्या डाला, सर सिलेक्ट कर लिया रणथंबोर नेशनल पार्क, ये देखिए सरिस्का और सरिस्का इसके भी ऐसे ही होंगे, तो रणथंबोर और सिलेक्ट जोन, तो जैसे जोन टू था मेरा, मैंने जो गया था जोन टू सिलेक्ट कर लिया। और जो डेट आपको सिलेक्ट करनी है 30 तारीख है, उसके बाद में 1 तारीख है, जो भी आपको डेट सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हम मान लीजिए 5 दिसंबर की बुकिंग करते हैं, 5 दिसंबर सिलेक्ट शिफ्ट कौन सी, मॉर्निंग की, और व्हीकल कौन सा सिलेक्ट कर, जैसे हम जो गए थे बस जैसा था ना वो कैंटर था, तो कैंटर में जाना चाहते हैं आप या जिप्सी में जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। जिप्सी में 6 लोग ही आएंगे, कैंटर में 20 लोग आएंगे एक कैंटर में, तो मैं मान लीजिए कैंटर में मैंने बुक किया था, तो इस तरह से कैंटर में कर लेंगे। ये देख करंटली अवेलेबल सीट कितनी है, 74 है, और व्हीकल फ़ीस ये नहीं है, 641 रुपये पड़े थे मेरे एक व्यक्ति की जो फ़ीस थी, ये तो सिर्फ व्हीकल फ़ीस है पर मेंबर, इसके बाद में ये फ़ीस वो फ़ीस कई अलग अलग प्रकार की होकर के 641 हो गए थे। और यहाँ पर जो है नीचे आपको जो जाने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट डालनी है, जैसे 20 लोग तक सब फॉर्म भरने के बाद में सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, तो आप नेट बैंकिंग या भीम यूपीआई वगैरह से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। थैंक यू, शुभ जर्नी।